अखिल भारतीय कामगार महासंघ के पदाधिकारियों व सदस्यों ने सिंगरौली में नगर निगम महापौर के नाम ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मियों ने मांग की है कि दैनिक वेतन भोगी सफाई श्रमिकों को स्थायी कर्मी में विनियमित करने का आदेश जारी किया जाए। संगठन का कहना है कि मध्य प्रदेश में समस्त निकाय संस्थित मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत संचालित होते हैं। इसी अधिनियम के परिपालन में ग्वालियर नगर निगम और पलसूद नगर पालिका एवं जबलपुर नगर निगम में वर्ष 2016 तक के कार्यरत दैनिक वेतन भोगी सफाई श्रमिकों को स्थायी कर्मी में विनियमित का आदेश प्रसारित किया गया है। इसी आधार पर सिंगरौली नगर निगम में कार्यरत 177 दैनिक वेतन भोगी सफाई श्रमिक हैं, उनका स्थायी कर्मी में विनियमित किया जाए। जैसा कि अन्य नगर निगम द्वारा, जैसे कि ग्वालियर नगर निगम और पलसूद नगर पालिका परिषद एवं अभी हाल ही में जबलपुर के द्वारा 2016 तक के कर्मचारियों के विनियमितीकरण का लाभ दिया गया है, जिसके तहत आज हम लोगों ने भी माननीय महापौर महोदय जी को, माननीय अध्यक्ष महोदय जी को, माननीय आयुक्त महोदय जी को भी हम लोगों ने यह पत्र उनको दिया गया था। इसमें हम लोगों ने मांग किया था कि जिस प्रकार ग्वालियर नगर निगम, पलसूद नगर पालिका एवं जबलपुर नगर निगम द्वारा से 2016 तक के कर्मचारियों को विनियमितीकरण का लाभ दिया गया है, ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी विनियमितीकरण का लाभ दिया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाई अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।